ऑल ऑफ यू, आज का हमारा नया टॉपिक है थर्ड यूनिट का ही स्कूल। ठीक है, कल हमने किया था फैमिली के बारे में। ठीक है, कि जो हमारी फैमिली है वो शिक्षा के साधन के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, आज हमारा है स्कूल, कि स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा साधन के रूप में स्कूल का क्या महत्व है। तो स्कूल कैसे इम्प्रूवमेंट करता है हमारी शिक्षा को बढ़ाने में, हमें एक सामाजिक प्राणी बनाने में, ठीक है, हमें आगे प्रोग्रेस करने में। तो स्कूल का क्या है, बहुत ही महत्व है। देखिए, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जब जन्म लेता है, तो एक माँ एक उसकी शिक्षिका के रूप में होती है। ठीक है, तो माँ से सीखता है, फिर फैमिली से सीखता है, धीरे 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 थोड़ा इतना वो एक दो ढाई साल का जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर क्या है, क्रेचेज में डालते हैं, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करता है बच्चा, सीखता है अल्फ़ाबेट, सीखता है काउंटिंग, सीखता है पोएम, सीखता है। फिर धीरे धीरे उसको एक मेन स्कूल में प्रॉपर वे से, जो हमारी फॉर्मल स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर डाल दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो अपनी स्टडी को कॉन्टिन्यू रखे और एक समाज में एक क्या बने, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर्सन बने। ठीक है, तो इस प्रकार उसकी प्रोग्रेस चलती रहती है। ठीक है, तो हमारा जो विद्यालय है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि हमारा जो विद्यालय है वो कहाँ से निकला है, मतलब कहाँ से हमारा स्टार्टिंग हुआ है इसका विद्यालय का। तो विद्यालय क्या है, एक औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन। ठीक है, तो इसके कार्यों के लिए हम पहले हम इसका स्कूल का जो मीनिंग है वो हम करेंगे। ठीक है, तो विद्यालय के लिए अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, स्कूल शब्द का प्रयोग किया जाता है, सभी को पता है, क्योंकि सभी बच्चे स्कूल गए थे, गए हैं और जाएंगे भी। स्कूल के बिना क्या है, आजकल क्या चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस की, स्कूल में जो कोरोना की वजह से नहीं जा रहे हैं बच्चे, उनकी ऑनलाइन क्लासेस, मतलब घर में ही स्कूल के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, तो यह शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, स्कोला शब्द से, भाषा से बना है स्कोला, जिसका अर्थ क्या है, अवकाश या खाली समय। ठीक है, तो पहले क्या होता था, एथेंस में युवक अपना खाली समय खेलकूद में, व्यायाम में, वाद विवाद करने में बिताया करते थे। जहाँ यह समय बिताया जाता था वे स्थान क्या कहलाता था, अवकाशालय कहलाता था। ठीक है, और उसके बाद में जब यह स्थान ज्ञान विज्ञान के केंद्र बन गए, जिनको अवकाशालय कहा जाता था। ठीक है, वहाँ पर ज्ञान की बातें होने लगी, ज्ञान और जो विज्ञान है वहाँ पर, इस तरह से क्या हो गया, शिक्षा ग्रहण बच्चे करने लगे। क्योंकि यहाँ आकर युवक ज्ञान प्राप्त किया करता था, इसलिए इन्हें विद्यालयों या स्कूल का नाम कहा जाने लगा। तो यहाँ से क्या होगी, विद्यालय की उत्पत्ति। ठीक है, तो विद्यालय शब्द का अर्थ भी वही है, वही स्थान है जहाँ पर क्या है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो मेन क्या है, हमारा विद्यालय क्या है, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो विद्यालय कहलाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि विद्यालय का आरंभ या विद्यालय का जो प्रॉपर वे से विद्यालय का नाम कैसे पड़ा था। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा हर जगह में, हर देश में जो वहाँ के लेखन और गणित के विकास के साथ स्कूलों का जो गठन है वहाँ पर आरंभ हुआ, और साथ साथ वहाँ के लोगों में क्या है कि जनसाधारण के लिए प्रॉपर वे से जो शिक्षा का औपचारिक साधन है वो विद्यालय ही बना। ठीक है, उसके बाद हमारी राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस है, ओटावे, अकॉर्डिंग टू ओटावे, स्कूल एक ऐसा सामाजिक आविष्कार है जो बच्चों के विशिष्ट शिक्षण द्वारा समाज की सेवा करता है। ठीक है, तो स्कूल में ही बच्चा क्या करता है, सीखता है समाज की सेवा करना, समाज में रहना, समाज से कैसे रिलेशन बनाना है। तो इस प्रकार ये सब कार्य हमारे स्कूल में ही फॉर्मल एजुकेशन या अनफॉर्मल एजुकेशन से सीखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी और राइटर्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो नन के अकॉर्डिंग भी है, एक स्कूल को प्रारंभिक रूप से ऐसा स्थान नहीं समझना चाहिए जहाँ किसी ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, बल्कि उसे ऐसा स्थान समझना चाहिए जहाँ बच्चों को उन क्रियाओं में अनुशासित किया जाता है और जिसका व्यापक संसार में स्थायी और विशिष्ट महत्व है। ठीक है, तो ये तो था स्कूल की डेफिनेशन। और इसके बाद हम करेंगे रोल ऑफ स्कूल इन चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बच्चों के विकास में स्कूल की भूमिका,
ठीक है, विद्यालय की भूमिका। सबसे पहले है फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए जो हमारा आधुनिक युग है उसकी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, बच्चे को मात्र ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं बल्कि उसका हर तरह से विकास करना है, जिसमें शारीरिक विकास उसका महत्वपूर्ण है। देखिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का निर्माण होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे और हर चीज़ में डेवलपमेंट कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अपना बीमारी में बैठ जाएंगे, ना हमसे आया जाएगा कहीं, ना जाया जाएगा, ना पढ़ा जाएगा, ना लिखा जाएगा। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का निर्माण होता है, इसलिए हमें स्वस्थता की ओर शारीरिक विकास पूरी अपनी फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारा स्कूल भी इस ओर ध्यान हमारा देता है। ठीक है, तो आधुनिक विद्यालय बालक तथा बालिकाओं के जो शारीरिक विकास है उसके लिए विशेष प्रयत्न करते हैं। स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स भी होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आज विद्यालयों में यह आशा की जाती है कि वे बच्चों के लिए खेल कूद व्यायाम आदि की पूरी व्यवस्था करें और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जो ज्ञान है वो प्रदान करें और स्वास्थ्य रक्षा के लिए उनकी जो उनको हैबिट्स सिखाई जाती हैं वो उन पर ध्यान दें। उनके स्वास्थ्य की जो समय समय पर परीक्षाएं या एग्ज़ाम्स किए जाते हैं और यदि हो सके तो उनको पौष्टिक भोजन के बारे में भी उनकी व्यवस्था की जाती है। एनसीसी के कैंप्स भी लगते हैं तो इसमें सारा कुछ बच्चों को सिखाया भी जाता है। स्काउटिंग में भी आदि में व्यवस्था भी शारीरिक विकास का ही एक रूप है। ठीक है, तो बच्चे का क्या होता है, शारीरिक विकास। सेकंड है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। देखिए विद्यालय में बच्चे के शारीरिक विकास के साथ उसके मानसिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। तो आरंभ में स्कूल का कार्य केवल क्या होता था, जो भी विद्यार्थियों का मानसिक विकास करना ही माना जाता था, लेकिन इसके लिए बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान करवाया जाता था, जो आज भी विद्यालयों का मुख्य कार्य बच्चों का क्या है, मेन मानसिक विकास करना ही है। ठीक है, पहले भी था लेकिन आजकल प्रॉपर वे से मानसिक विकास करना है कि बच्चे मेंटल रूप से क्या रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, विद्यालयों में विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, और इसके साथ साथ यह भी जो और भी सब्जेक्ट हैं कुछ केवल कुछ विषयों का ज्ञान मात्र में भी क्या किया, मानसिक विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो मानसिक विकास जो मानसिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए विद्यालय हैं हमारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं विद्यालय में जिससे हमारे मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, विकास होता है उसका। ठीक है, आपने देखा होगा जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं विद्यालय होते हैं टाइम टाइम पर, क्विज़ कंपटीशंस और भी बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं जिसमें हमारे रीजनिंग से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं जिससे क्या होता है, बच्चों का विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें कुछ जो भी ज्ञान प्राप्त करवाया जाए उन्हें प्रॉपर वे से करवाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए शिक्षण के अनेक सिद्धांत और सूत्रों का प्रयोग भी किया जाता है जिसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रत्येक शिक्षक को करना होता है और बच्चे की प्रोग्रेस इसमें मानसिक विकास करना है। ठीक है, उनको अपनी बच्चों की योग्यता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उनको उचित शैक्षिक पर्यावरण देना भी स्कूल का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के बच्चे शिक्षण की प्रक्रिया में प्रॉपर वे से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उनको प्रॉपर वे से जो अपने अंदर समाते हैं और उनको अपने जीवन में प्रयोग करने के योग्य बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मानसिक विकास है वो भी बहुत ही ज़रूरी है जो कि हमें विद्यालय द्वारा भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए जो भावात्मक विकास है उसके लिए भी विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के हमारे सांस्कृतिक और साहित्यिक जो कार्यक्रम हैं उनका आयोजन किया जाता है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें बहुत सारी बच्चों को इस तरह से नाटक प्रदर्शन करवाया जाता है, उनसे इस तरह से स्किट्स करवाई जाती हैं कि बच्चे क्या हैं, जो उनका भावात्मक इमोशनल जो व्यवहार है उसका विकास है वो प्रॉपर वे से किया जा सके। नाटकों में जो रियलिटी
होती है उस तरह से करैक्टर उसी में ही बह जाती हैं प्रॉपर वे से। तो इस तरह से वो रियलिटी के जो करैक्टर्स हैं उसमें बच्चों को रियलिटी के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि सही में, मान लीजिए भ्रूण हत्या के ऊपर है बच्चों का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर है, तो इस तरह से जब नाटक प्रदर्शन किए जाते हैं कि उसमें रियलिटी का प्रदर्शन होता है और बच्चों जो बच्चे हैं उनकी जो भावनात्मक विकास होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी स्कूल में शिक्षा दी जाती है जिससे बच्चों का भावात्मक विकास होता है। नेक्स्ट है बच्चों का करैक्टर्स एंड मॉरल डेवलपमेंट, चारित्रिक व नैतिक विकास। तो बच्चों का देखिए चारित्रिक विकास भी बहुत ही ज़रूरी है। जो समाज द्वारा स्थापित ऐसी संस्था है जो विद्यालय हमारा, जिसमें क्या है, जिसका सर क्या है, समाज के पर्यावरण से उच्च होता है। ठीक है, और विद्यालयों पर समाज के जो दूषित पर्यावरण है उसके छाप पड़े बिना ही हम बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो बच्चों का जो नैतिक और चारित्रिक विकास है उसका भी विद्यालय क्या करता है, प्रयत्न उनको प्रॉपर वे से इनका विकास करने के लिए प्रयत्न करता है और समय समय पर नैतिकता एवं प्रवचनों का आयोजन भी किया जाता है, मॉरल वैल्यूज़ भी बच्चों को सिखाई जाती है, विभिन्न विषय भाषा शिक्षण इस तरह बच्चों को प्रशिक्षित की जाती है कि बिना जाति धर्म राष्ट्रीय वो बिना किसी जाति और धर्म की वो शिक्षा ग्रहण कर सकें और राष्ट्रीय के प्रति अपने स्थायी भाव बनाए रखें। ठीक है, तो विद्यालय में बच्चों को अनेक ऐसे नियम सिखाए जाते हैं, उन्हें समय पर पहुंचना, दूसरों का आदर करना, उचित व्यवहार करना, शांति बनाए रखना, अनुशासन में रहना, तो ये सब का जो चीज़ें होती हैं आदि इनका पालन करना विद्यालय द्वारा ही सिखाया जाता है बच्चों को। तो इसके लिए विद्यालय क्या है, एक महत्वपूर्ण जो चारित्रिक विकास का, नैतिक विकास की एक संस्था है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर अपना चारित्रिक और मॉरल वैल्यूज़ को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। आधुनिक युग में आपको पता है कि विद्यालयों का जो मुख्य कार्य क्या है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करना। ठीक है, ताकि वो समाज के साथ मिलजुल कर रहे। ठीक है, अगर हम देखते हैं वैसे तो मनुष्य जन्म से ही सामूहिकता की प्रवृत्ति में लेकर पैदा हुआ है, लेकिन वह अपनी जाति के प्राणियों के बीच क्या है, किस प्रकार से रहे, इसका प्रशिक्षण उसके सामाजिक पर्यावरण से ही पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा जो आजकल हमारा सामाजिक पर्यावरण क्या है, लेकिन हम टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दूषित हो रहा है, जिसमें जो हमारा उचित सामाजिकता प्रशिक्षण मिलना असंभव है, लेकिन विद्यालयों की ओर से ये हमारे कार्य अधिक से अधिक क्या है, इस तरह की आवश्यकता जो है हमारी अधूरी हमारी जो कार्यक्रम है उनको प्रॉपर वे से सही ढंग से किया जाए और विद्यालयों की ओर से अधिक सतर्कता से कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि सभी जो समाज में प्राणी हैं वो मिलजुल कर रहें, किसी के साथ भी कोई जात पात का भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, और आज देखते हैं हम वैसे तो हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी कंट्री है हमारी, तो ये तभी सफल होगी जब हम मिलजुल कर रहेंगे, सामाजिक जीवन को एक दूसरे के साथ मिलकर अपनाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति का आदर करेंगे और उसका विकास होगा, तो जीवन की सभी समस्याएं क्या होंगी, प्रेम सहानुभूति और सहयोग से हल करने में ही क्या करता है हमारा विद्यालय, हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे विद्यालय में जाति धर्म और संस्कृतियों के बहुत सारे धर्म के बच्चे मिलकर पढ़ते हैं, इकट्ठे रहते हैं, यहाँ उनके साथ इक्वल व्यवहार किया जाता है और उन्हें मिलजुल कर अवसर प्रदान किए जाते हैं, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया है और इसमें बच्चे प्रेम और सहानुभूति पूर्वक सहयोग पूर्वक भाग भी लेते हैं और इस प्रकार एक सुयोग्य नागरिक बनते हैं हमारे देश के लिए, विदेशों के लिए। तो बच्चों जो विद्यालय हैं कि उच्च सामाजिक पर्यावरण में बच्चों को जो उच्च सामाजिक आदतें हैं उसका भी निर्माण का विकास होता है और उनके संवेग प्रशिक्षित होते हैं और एक वो भावी संसार के प्रति आदर और स्थायी भाव रखते हैं, जिससे भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय एकता का बोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चर डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास।
विद्यालय क्या है, समाज की जो संस्कृति है उसको भी सुझोए हुए हैं हमारी, उसकी रक्षा करता है बच्चों में उनका जो संक्रमण करता है, एक इधर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है उसका। तो हमारा देश क्या है, अगर हम देखते हैं विविधताओं का देश है, अनेक जाति के विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति अपनाए हुए हैं, किसी के अलग अलग तीज त्यौहार है जिसको हम अपनाए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चे अपने परिवार और समाजों में भिन्न भिन्न संस्कृति को सीखते हैं, भिन्न भिन्न त्यौहारों को देखते हैं, ठीक। तो इस प्रकार विद्यालय में ये सभी क्या है, एक ही मंच पर हमें मिलते हैं। तो विद्यालयों में भाषा और इतिहास इत्यादि विषयों के माध्यम से हम बच्चों की संस्कृतियों का जो स्पष्ट ज्ञान है वो बच्चों को कराया जाता है, किसके माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, ठीक है। और उनमें अपनी अपनी संस्कृतियों के सत्य है और जो भी चीज़ें होती हैं लाभकारी हैं उसको उसमें शक्ति का विकास करके दिखाया जाता है। तो इस प्रकार जो विद्यालय है छात्रों को यह निर्णय लेने की सहायता करता है कि कितना हमारे देश में कितना समाज सुधार हुआ है, और इस प्रकार जो हमारे विद्यालय की संस्कृति है उसके विकास के लिए हम सबसे अधिक सहायता करते हैं। तो इस प्रकार जो सामाजिक प्रगति है हमारी, वे नए नए मार्ग हमें दिखाती है और हमें समाज में एक प्रॉपर वे से एक जो सामाजिक प्राणी है हमें बनाती है, ठीक है। तो संस्कृति का हमारे जीवन में, इसका जो स्कूल में हमारी संस्कृति सिखाई जाती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद है हमारा वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यवसायिक विकास। देखिए व्यवसायिक विकास क्या है कि व्यक्ति जब स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ने के बाद क्या है, एक अपना व्यवसायिक जो आधार है वो भी बनाता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए उसको व्यवसाय करना या जॉब करना भी नेसेसिटी है, क्योंकि अपना परिवार चलाने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए, तो ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरी होती हैं। तो हमारा जो व्यवसायिक है और औद्योगिक शिक्षा का विधान है, हम देखते हैं कि परिवारों और व्यवसायिक और औद्योगिक केंद्रों पर ही होता था पहले टाइम में, लेकिन इस कारण लोग क्या होते हैं, कई बार कई लोग क्या होते हैं, पैतृक व्यवसाय भी अपना लेते हैं, जो पिता का व्यवसाय होता है वो खुद भी अपना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में कई बार क्या होता है, हम पीछे से ही अपना लेते हैं। तो यह बहुत प्रकार के कार्य जो हमें जॉब से भी रिलेटेड है, बिजनेस से भी रिलेटेड है, विद्यालयों द्वारा हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो संसार में सभी जो भौतिकवादी देशों में, यहाँ तक कि हमारा देश जो भी देश है, हमारा भारत में भी जितना ध्यान व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर दिया जाता है उतना शायद कहीं और नहीं दिया जाता, वैसे दिया हर देश में जाता है लेकिन हमारे देश में भी यह ध्यान प्रॉपर वे से दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा देश जो छोटे छोटे व्यवसाय भी अपनाए हुए हैं, उद्योगों का प्रबंध भी किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, अपनी आजीविका कमा रहे हैं, ठीक है, और अपना जीवन चला रहे हैं। तो इस प्रकार शिक्षा क्या है, विद्यालयों में अनेक प्रकार से यहाँ पर हमें व्यावसायिक एजुकेशन का भी प्रबंध करवाती है जिससे हम आगे बढ़कर अपने व्यवसाय को चलाते हैं और एक व्यवस्थित वे से नागरिक, स्वस्थ नागरिक का निर्माण होता है, ठीक है, प्रॉपर वे से। उसके बाद है आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। देखिए शिक्षा जो हमें है, सभी धर्मों को कैसे साथ रहना है, इकट्ठा हमें भाईचारे की भावना को अपनाना, तो हमें ये भी शिक्षा विद्यालय द्वारा सिखाया जाता है। तो हमारा जो देश है, हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के बच्चे हैं, अपने अपने परिवार और समाज में रहते हैं, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वो सभी वहाँ पर इकट्ठे ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जो हमारा देश है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य की घोषणा की है हमने, और विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस प्रकार हमारा देश जो है बच्चों में चारित्रिक विकास और नैतिक विकास के लिए धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक जो विकास है वो क्या है, प्रॉपर वे से सभी धर्मों का आदर करना यही सिखाया जाता है। तो इस संबंध में जो हमारे विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कि विद्यालयों में सभी मुख्य धर्मों के सिद्धांत सभी बच्चों को अवगत कराया जाए सभी सिद्धांतों से, और उन्हें आत्मा और परमात्मा के संबंध में विचारधाराओं से परिचित करवाया जाए और किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव ना किया जाए, ठीक है। तो हमें जो हमारा ये
क्या कहते हैं विद्यालय है, तो इस प्रकार की शिक्षा भी हमें सिखाता है। तो इस प्रकार स्कूल प्रॉपर वे से हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्या है, एक साधन के रूप में हमारे कार्य करता है बच्चों की प्रोग्रेस करने में। ठीक है, तो ये था बच्चा विद्यालय के बारे में हमारा, कि विद्यालय कैसे एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।